चाचा चौधरी कई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शिक्षा के उत्कृष्टता के 25 वर्षों के जश्न में आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह हम सभी का असीम सौभाग्य है कि प्रदेश के जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। आज यह हम सभी के लिए असीम सौभाग्य है कि प्रदेश के जाननीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति कई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रांगण में शोभनीय है। मैं प्रोफेसर जेपी पांडे जी, वाइस चांसलर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय से यह अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ऑक्सी प्लांट प्रदान करके सम्मानित करें। में मात्र 26 वर्ष की आयु में श्री योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा के सबसे युवा सांसद चुने गए। गोरखनाथ मठाधीश रहते हुए श्री योगी आदित्यनाथ जी ने धैर्य और जन राजनीति के बीच संतुलन बखूबी बनाया और जन कल्याण की भावना को सर्वोपरि रखते हुए वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और प्रदेश के विकास को गति प्रदान की। अपने इतने कम समय के कार्यकाल में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर अपराधों पर काबू पाया। वर्तमान में इस राज्य में महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा के लिए विभिन्न अभियान जैसे कि एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति आदि सुचारू रूप से क्रियान्वित हैं। राज्य में सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती इस बात का विशिष्ट प्रमाण है। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक समय के मुख्यमंत्री कार्यकाल की उपलब्धि भी अपने नाम की है। विदित है कि प्रदेश के विश्व स्तर की सड़क और संरचना आज देश में मिसाल है और देश की पहली रैपिड रेल के अनावरण ने उत्तर प्रदेश को देश के श्रेष्ठतम राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान दिया है। इसी आधारभूत संरचना के बढ़ते स्तर ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया और आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था का $1 ट्रिलियन का लक्ष्य पूर्ण होता दिख रहा है। आज प्रदेश में फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिनटेक सिटी की सफल स्थापना हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी श्री योगी आदित्यनाथ जी का योगदान अभूतपूर्व है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस सूत्र वाक्य के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को खास तौर से गांव की शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के सतत प्रयास किए हैं। उन्नत भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण इलाके से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। श्री योगी आदित्यनाथ जी का मंत्र है, सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, सम्मान सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले श्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति कॉलेज के प्रांगण में एक गौरवमय पल है और KIT कॉलेज प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत व अभिनंदन करता है। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति का उत्तरदायित्व 16 मई 2023 को ग्रहण किया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कृपा करके मंच पर आए और हम सभी को अपने आशीष वचनों से सिद्ध करें।
परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, भारत सरकार में राज्य मंत्री कर्नल श्री वी के सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अन्य राज्य मंत्री, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, गाजियाबाद की मेयर श्रीमती सुनीता दयाल जी, मुरादनगर की विधायक श्री अजित पाल त्यागी जी, माननीय विधायक श्री अतुल गर्ग जी, माननीय विधायक श्री दिनेश गोयल जी, संस्थान के निदेशक, संयुक्त निदेशक, फैकल्टी मेंबर्स एवं स्टाफ मेंबर, संस्थान के युवा छात्र जिन्हें आज डिग्री वितरित की जा रही है, मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं अन्य उपस्थित देवियों और सज्जनों, सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज दो अवसर हैं हम लोगों के, एक छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जा रही है जो हमारे पास आउट छात्र हैं, और दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का माननीय मुख्यमंत्री के जी के कार्यक्रमों से आज उसका उद्घाटन हुआ है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं। आज से सिल्वर जुबली का कार्यक्रम भी संस्थान का मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं संस्थान के प्रबंध तंत्र, संस्थान के फैकल्टी मेंबर्स, कर्मचारीगण, सभी छात्रों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। आज हम लोग जो ग्रेजुएटिंग छात्र हैं वो आज पास आउट होंगे, हो गए हैं, उनको डिग्रियां वितरित की जाएंगी। उनके लिए दो तीन चीजें लाइफ में आप आज आ गए हैं समाज में, और आपको आगे कैसे कार्य करना है।